Hi guys, welcome back to the channel. This is Supriya, third year MBBS student at GMC Kannauj. And yes, it's your favorite video here, Anu's exam reaction. She is my sister and like after a whole 1 year, she is here for her NEET 23 and will be recording her reaction. थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ. अभी मैं एग्जाम सेंटर पर पहुँच गई हूँ एंड कुछ देर में ही वो छूटने वाली है. वैसे मैं कॉलेज से आई हूँ, उसे बताया नहीं है. वो कम्प्लीटली उसके लिए सरप्राइज है, वरना लगेगा कि दीदी अपना उल्लू सीधा करने वीडियो रिकॉर्ड करने आ गई है. तो मैंने उसे नहीं बताया था, उसे नहीं पता है कि मैं सीकर आ चुकी. और यार कॉलेज से यहाँ तक आने की जर्नी क्या खतरनाक थी. कुछ झलके आपको देखने को मिलेगी. मम्मी से, माँ से, घर पे मैं सबसे मिलके आ गई हूँ, भगवान जी के धोख लगा के आ गई हूँ. थोड़ी सी झलक दिखाएंगे और फिर अनु का रिएक्शन. दैट्स इट, बाय बाय. सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं. वैसे मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सुबह से ही चल रहा है. ठीक है, आप सब लोग को भी बहुत सारी शुभकामनाएं. चलो ठीक है, ठीक है, बाय मम्मा. और ये एग्ज़ाम सेंटर के लिए मैं बस में बैठ के जा रही हूँ. मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी भीड़ थी कि लोग ऊपर नीचे गिर रहे थे, बट मुझे इतनी तेज़ नींद आए जा रही थी कि बार बार आंटी मुझे कह रही बेटा सीधे बैठ जाओ, बच्चे पे गिर रहे हो आप. मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि जैसा भी पेपर गया हो, अच्छा बुरा, जस्ट लीव अबाउट दैट फॉर सम टाइम एंड जस्ट थैंक योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स की लाइक यू वेंट थ्रू द हार्डशिप फॉर होल 1-2 ईयर. ईट समथिंग गुड, गो शॉपिंग या जो भी तुम लोग को पसंद है, जस्ट डू इट फॉर सम टाइम एंड एंजॉय द मोमेंट. बट ओके, आई नो ये सब बोलने में ही अच्छा लगता है. दिमाग में सबके एक ही चीज चल रही है कि पेपर चेक करें कितने मार्क्स बने कितने नहीं. माई सिस्टर इज ऑल्सो डूइंग द सेम. वी आर चेकिंग द पेपर एंड आर आंसर के इज फ्रॉम मोशन एजुकेशन. लाइक आई डिड अ होल रिसर्च की कहाँ पे एकदम फास्टेस्ट बट रिलायबल आंसर के मिल जाए. यहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर एंड रैंक प्रेडिक्टर भी बनाए, जहाँ पे जाके अपन अपना एक्सपेक्टेड रैंक एंड कॉलेज जान सकते हैं. ओके, सो दोज़ ऑफ यू डोंट नो अबाउट मोशन एजुकेशन, लेट मी टेल यू. मोशन एजुकेशन इज अ लीडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं कोटा में फॉर नीट जेई. दे ऑल्सो हैव देयर लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब एज वेल. ओके, बट कोचिंग्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है रिजल्ट एंड नो वरीज. मोशन इज द वन विच हैव हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो फॉर नीट जेई. सो दोज ऑफ यू हु आर नॉट एक्सपेक्टिंग कॉलेज दिस ईयर, मोशन इज हेयर टू हेल्प यू. मोशन है तो भरोसा है. नाउ यू कैन एंजॉय योर वीडियो. बाय बाय. गर्ल इज ऑल्सो हैप्पी. आज बच्चे खुश दिख रहे हैं सबके सब. यार बहुत खुश दिख रहे हैं. पानी पिया वाला बच्चे सही दबा जो बात हो गई. हाँ गंदी क्या तो तेरा फेवरेट बच्चे मैं आ गई थी. क्या बोल रही हूँ, आ गई थी. कैसा हो तुम्हें? अच्छा हुआ. कितना अच्छा हुआ? बहुत आसान सा था यार. हुआ कैसा? अच्छा हुआ. क्या लगता है देखो? बटे मुझे लगा मैं तुझे बताऊंगी तो तुझे लगेगा कि ये सेल्फिश है. चलो ठीक. कैसा था आपका पेपर? मतलब कैसा, आसान, ठीक ठाक था? कितना एक्सपेक्टेड स्कोर है, जैसे कि अगर क्या लगता है कितना बन जाएंगे आसपास? 550-600. बहुत बढ़िया. लड़की खुश दिख रही है. पेपर मार्क्स कितने आए ना आए, बस ये है कि हाँ ठीक है पेपर अच्छा करा ही, बस यही है, सही है. पेपर मत चेक करवाना प्लीज यार, सांस लेने देना यार. ठीक है ना? ठीक है. हाँ नहीं करेंगे पेपर चेक. खुश रहो, अब तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी कॉलेज और हम मजे करेंगे. क्यों फिर क्या करेगी यहाँ पे? ओके, सो एट लास्ट इसका पेपर ओवरऑल ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है. बाकी क्या रहता है क्या नहीं रहता है वो तो बाद में ही पता चलेगा. बाकी एट लास्ट व्हाट वी वांट टू से टू योर नीट 23 कलीग्स एस्पिरेंट्स. हो गया पेपर यार, सब अच्छा हो गया, अब आराम से रेस्ट करो, मजे करो. एग्जैक्टली, बस सो आराम से, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. एक साल में जो यज्ञ किया था दैट एंड्स हियर एंड नाउ यू कैन हैव योर टाइम. दैट्स इट, बाय बाय.